नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजीव यादव। इस समय हम मौजूद हैं अशोक नगर की कृषि उपज मंडी में। यहीं पर नीलामी चल रही है। हमारे साथ यहां के गेहूं के व्यापारी हैं, उनसे जानेंगे कि इस समय मंडी में गेहूं की कितनी आवक हो रही है और क्या दाम चल रहे हैं। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आगामी समय में गेहूँ के क्या दाम रहने वाले हैं। पहले तो आपका मार्केट टाइम्स टीवी में बहुत जी। अनिल कुमार जैन बोल रहा हूँ, गेहूँ की मंडी में आया था, मैं गेहूँ खरीद रहा हूँ। क्या दाम चल रहे हैं गेहूँ की? कितनी गेहूँ की आवक हो रही है? 20-22 हज़ार बोरी। कौन कौन सी किस्म का गेहूँ आ रहा है? जी सरबती ज्यादा आ रहा है और 15-44 आ रहे हैं। अच्छा, तो दाम क्या चल रहे हैं गेहूँ? दाम चल रहे हैं 23.5 से लेके 4,000 तक। मतलब इसमें कौन कौन सी क्वालिटी का क्या दाम है? मिल क्वालिटी का 23.5-24 रुपए का भाव है। कौन कौन सा रहे? कौन कौन मिल क्वालिटी आते हैं? एक एक प्रकार का, मतलब मिल में जाता है। और 322 वगैरह 15-22 मिल जो हल्का हो जाता है, लागे मांगे जी 23.5-24 बिक रहा है। और इससे ऊपर बिक रहा है अपने आज किसी की क्वालिटी का 24 से लेके 27 तक। तो इसमें कौन से गेहूँ सबसे अधिक आ रहा है, कितना आवक? कौन से अभी सरबती ज्यादा आ रहा है, बड़ी छोटा था। सरबती कितनी आवक? कम से कम होगी 10,000 बोरी। तो आगामी समय में इसके दाम को लेकर क्या कहेंगे? आगामी समय में अभी जो प्रेशर ज्यादा है, आगामी समय थोड़ा 100-200 रुपए बढ़ सकते हैं। कौन से समय में बढ़ सकते हैं? अब जो आवक 2 महीना लग गया है, 1 महीना अभी तो व्यापार के ऊपर है, डिमांड के ऊपर है। इस समय जो आवक हो रही है वो आगामी समय में किस तरह से रहेगी? आगामी समय में मान लो आधी हो जाएगी 15 दिन बाद जी। अच्छा, इससे पहले किस तरह के दाम रहे थे, कितने तक हाईएस्ट? यही चल रहा है 100-200 रुपए ऊपर नीचे हो रहा है। अच्छा, आई एस ऊपर 45 तक बिक गया, 4500 तक इसके दाम रहे। तो ये दाम कितने लगभग 500 रुपए कम हो गए? नहीं, वो क्वालिटी के हिसाब से, क्वालिटी भी नहीं निकल रही, पहले जो एक्स्ट्रा क्वालिटी आ रही थी। अच्छा, शुरुआती टाइम में अच्छी क्वालिटी आई थी, 45 तक बिक गई और 2-500 रुपए मध्य भी हो गए। तो इस साल भी हर साल की तरह आवक हो रही है मंडी? इस साल ज्यादा हो रही, सबसे गेहूँ की ज्यादा आवक। अच्छा, लगभग अनुमानित कितनी ज्यादा है इस बार? अनुमान मान लो ज्यादा आलू 5,000 बोरी ज्यादा आ रहा पहले से। आपका क्या कहना है, क्या स्थिति है गेहूँ की, क्या रहेगी स्थिति? ऊंची में सरबती 4250 रुपए तक बिका आज की मंडी में। हाँ। और 15-44 का भाव 2650-2700 रुपए के आसपास बिक रहा है। मेल क्वालिटी 2350 बिक रहा है और 2 महीने बाद 200-300 रुपए के गेहूँ बढ़ सकते हैं। आगामी समय में क्या कहेंगे? आगामी समय में आवक कम हो जाएगी और भाव बढ़ जाएंगे। कितनी आवक कम हो सकती? आवक कम से कम नहीं 5,000 बोरी कम हो जाएगी। अभी जो 22,000 बोरी की आवक हो रही है वो 10-11,000 बोरी पे रह जाएगी और हर साल की अपेक्षा इस बार गेहूँ ज़्यादा आया है। अच्छा, इस बार जो अच्छा क्वालिटी वाला गेहूँ आता है वो गेहूँ आ रहा है, वो ऊंचे में 4200-4300 रुपये आज भी बिक रहा है। अच्छा, किसानों के पास इस बार पैदावार कैसी हुई? पैदावार बहुत बम्पर हुई है। हाँ। बहुत बम्पर पैदावार हुई है। अच्छा, मंडी 3-3 दिन में कम्प्लीट हो पा रही है, इतनी आवक है 22,000 बोरी की। आगामी समय में जो आप बता रहे हो भाव को लेकर, कितने दाम बढ़ सकते हैं? लगभग 300 रुपए के लगभग बढ़ सकते हैं। 300, ये कौन से समय बढ़ सकते हैं 300? ज्यादा से ज्यादा 2 महीने बाद। 2 महीने में मतलब 300 रुपए की तेजी आ सकती है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हमारी